मुझे भाई, मैं और आप कुछ दिनों पहले लव के ऊपर बात कर रहे थे, कैसे डिज्नी, नेटफ्लिक्स, हॉलीवुड स्टूडियोज, बॉलीवुड स्टूडियोज, इन्होंने एक फेक, एक झूठी परसेप्शन दी हुई है यूथ को अबाउट ट्रू लव। क्या इस्लाम में हमें कहीं से कुछ ऐसी टीचिंग्स मिलती हैं, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाइफ से हमें कुछ ऐसे लेसन मिलते हैं जो ट्रू लव के रिलेशन, ट्रू रिलेशन को एक्सप्लेन कर सके या डिफाइन कर सके? तो उस पर आपने मुझे कुछ बातें बताई थी, कुछ स्टोरीज सुनाई थी, तो क्या आप बता सकते हैं कि व्हाट ट्रू लव इज? नाउ अनफॉर्चुनेटली हम जब मोहब्बत की बात करते हैं, लव स्टोरीज की बात करते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ की रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो हमारे पास जो फर्स्ट तस्वीर आती है, पहली तस्वीर आती है, वो हॉलीवुड, बॉलीवुड। अनफॉर्चुनेटली एक बहुत ही ट्विस्टेड सा एक परसेप्शन है मोहब्बत का, जो हमारे एक पूरे यूथ की एक जनरेशन को दिया गया है। तो हमारे यंगस्टर्स के दिमाग में, हमारी यूथ के दिमाग में जो मोहब्बत या प्यार की एक डेफिनेशन है, वो एक बड़ी मतलब मिसइंफॉर्म तरीके से, बहुत ही कंफ्यूज्ड और बहुत ही क्रुकेड अंदाज में उसको कम्युनिकेट किया हुआ है। हमारी यंगर जनरेशन को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को एक रिलेटेबल अंदाज में कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत थी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के लिए, हमें दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। एंड आई जस्ट शेयर दिस विद यू कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को इतना प्यार करते थे कि उनके जाने के बाद, उनकी वफात के बाद भी उनको नहीं बुला सके। यहाँ तक कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैं किसी भी वाइज ऑफ द प्रोफेट से जेलस नहीं हुई एक्सेप्ट खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, और मैंने उनसे मुलाकात भी नहीं की। यहाँ तक कि जब बड़ी बहन खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की मिलने के लिए आई, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए, बिकॉज शी रिमाइंडेड हिम ऑफ खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, एंड आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा यूज टू फील जेलस, एंड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको, जो उनके रिश्तेदार थे, उन तक गिफ्ट्स पहुंचाते थे ताकि उनकी जो मेमोरी है वो बाकी रहे। और मैं आपके सामने एक इवेंट शेयर करता हूँ, यू सी, यू कैन अंडरस्टैंड कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक क्या था अपनी वाइफ के साथ, खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ, कि जब पहला वही का वाकया पेश आया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कन्फ्यूज, किसके पास पहले गए? खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास। किसी सरदार के पास नहीं गए, किसी रिलेटिव के पास नहीं गए। द वेरी फर्स्ट पर्सन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रैन टुवर्ड्स वाज खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा। कितने लोग हैं जो सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम के मौके पर अपनी वाइफ के पास जाते हैं, अपने दिल की बात बताते हैं? इससे पता चलता है कि उनकी वाइफ के साथ उनका, इनकी क्या रिलेशन थी, क्या ट्रस्ट था, क्या कम्युनिकेशन का अंदाज था। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की विजडम, उनकी मैच्योरिटी हमें इस बात से पता चलती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास गए, तो उन्होंने ये बात का इजहार किया इस एंटायर फर्स्ट रेवलेशन के एक्सपीरियंस के बाद कि मुझे ये डर लगता है कि शायद मैं मर जाऊंगा। लेकिन खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा क्या फरमाए, वो अल्फाज गोल्डन वर्ड्स हैं। वो क्या है कि ला युख्ज़ीक अल्लाहु अबदा, कि अल्लाह आपको कभी भी ज़ाया नहीं करेगा। क्यों? नंबर वन, कि आप अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा ताल्लुक रखते हैं, आप कमज़ोर लोगों की मदद करते हैं, आप लोगों का बोझ उठाते हैं, आप जो मेहमान हैं उसकी मेहमान नवाजी बेहतरीन अंदाज से करते हैं, अगर किसी का हक दिलाना है तो आप उसका हक दिलाते हैं। और ये चीज़ें जो बयान की गईं, ये चीज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीनदारी थी। तो खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने क्या फरमाया कि आप ये चीज़ों का ख्याल रखते हैं, अल्लाह ताला आपको कभी भी ज़ाया नहीं करेगा। दिस शोज़ कि हाउ मच बिलीव खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा हैड फॉर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का यकीन, उनके ऊपर बिलीफ, उनका जो सपोर्ट था, उनके अल्फाज से पता चलता है। और ये खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिलेशनशिप रिफ्लेक्ट करती है जो दुनिया में मिसाल हमें नहीं मिलती। दिस वॉज द एग्जाम्पल ऑफ लव,
of a good character that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam established even before he was a prophet. A lot of people talk about a perfect relationship. They talk about a perfect spouse. But is anybody going to be a perfect spouse? Is there ever going to be a perfect relationship? So hum jo ye movies dekhte hain, hum ye Netflix ki series dekhte hain, hum yahan se mohabbat ki examples desire karte hain, hamari youth chahti hai, they think that it's all about fun and games. But love is about commitment. It's about compromise. It's about sacrifice. It's about being able to go on this journey together. You know, you need to be like that spouse. Aapko aisa spouse, aisa partner hone ki zarurat hai. Jahan pe aap dusre ko support karein aur aapke wajood se dusre ki zindagi mein farq pade. But you have to be following the example of Rasulullah. Bahut se log ye chahte hain ki mujhe aisi wife mil jaye, mujhe aisa husband mil jaye. But the only thing which can actually unite a husband and wife for eternity, even when this world ends, is a good relationship with Allah subhanahu wa ta'ala.